हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है 10-10 पोर्ट्रल। ठीक है, हम देखेंगे 10-10 पोर्ट्रल में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चेंज हो रहा है और आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं और आपका इस टाइम अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या मूड चल रहा है। ठीक है, 10-10 पोर्ट्रल में क्या चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, लेट्स सी। चेक करते हैं, 10-10 पोर्ट्रल ओपन हुआ है तो देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। 10-10 पोर्ट्रल, ठीक है। और प्लीज़, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती, किसी की भी नहीं लेती। ठीक है, तो जो भी आप लोग यहाँ पर रीडिंग्स देख सकते हैं, मैं पर्सनली किसी से भी किसी की भी रीडिंग नहीं देती। ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, आप लोग को जो गाइडेंस मिल सकती है वो रीडिंग से मिल सकती है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग ना इंस्टाग्राम पे बुक करती हूँ ना मैं यूट्यूब पे बुक करती हूँ, तो प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मेरा जो एक स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वजह ये है मेन। ठीक है, लेट्स सी। चेक करते हैं आपके पर्सन की 10-10 पोर्टल में आप लोग के कनेक्शन में क्या चेंज आ रहा है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, अपने जिस भी पर्सन के लिए आप देखना चाह रहे हैं, न्यू पर्सन के लिए, पास्ट पर्सन के लिए, जो भी आपके माइंड में, जो भी आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब इंसान है उसको मेडिटेट करें और इस रीडिंग को देखें। ठीक है, और ओपन रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो ओपन माइंड होकर देखा करें, जो आपसे रेजोनेट करे तो उसको आप रखें, अदरवाइज आप उसको जाने दें। ठीक है, चलें मेडिटेट करें अपने पर्सन के ऊपर। इस पोर्टल जो ओपन हो रहा है इसमें आप लोगों के कनेक्शन में क्या चेंज आ रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंज आ रहा है, इस कनेक्शन में क्या बदलने वाला है इस पोर्टल के बाद, इस पोर्टल ओपन के बाद, ओपनिंग के बाद यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, आप लोग के रिलेशनशिप के चेंजेस कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, लेट्स सी। थर्ड आई चक्रा, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त इंट्यूटिव होने वाले हैं, अपनी इंट्यूशन से सोच समझ कर चलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा किसी का ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन पास्ट में किसी टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से गुजरा है, तो किसी के यहाँ अवेकनिंग, किसी के यहाँ थर्ड आई चक्रा ओपन, जैसे रनर और चेजर का गेम बहुत हद तक स्लो या तो बिल्कुल ही फिनिश होने वाला है। ठीक है, मतलब कि अब मुझे नहीं ऐसा लग रहा कोई भी इस कनेक्शन में चेजिंग वाले मूड में आना चाहेगा, कोई भी रन करना चाहेगा, मतलब कि मुझे इस टाइम लग रहा है कि आप लोग एक टेम्पटेशन को, एक कोडिपेंडेंसी को छोड़कर एक दूसरे के ऊपर जो आप लोग डिपेंड हो रहे थे, इमोशनली हो रहे थे, टॉक्सिक बन रहे थे, वो चीज़ें आप लोग के कनेक्शन में कम होने वाली हैं। थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आप लोग माइंड थॉट, मतलब का आपका माइंड थोड़ा सा ओपन हो रहा है, आप फ्री विल, आप फ्री मतलब कि फ्री होकर सोच रहे हैं, अपने थॉट्स को फ्री कर रहे हैं, जो आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी उन सब चीज़ों को खोल कर सोच पा रहे हैं, एक यूनिवर्सल तरीके से भी सोच पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको आप लेकर इस कनेक्शन में चलते थे, उसी को लेकर आप सोचते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूवर के कनेक्शन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन यहाँ पर इस पोर्टल में किस तरीके के चेंज लेकर आ रहे हैं अपने अंदर। होप, आपके पर्सन को होप है इस कनेक्शन में। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पर्सन पास्ट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे अपने आप को, बहुत शेडो साइड। ठीक है, आपके पर्सन का एक तो चक्रा ब्लॉक, ठीक है, आपके पर्सन बहुत एक ब्लॉकेजेस से गुजरे हैं अपनी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस रही है। ठीक है, शेडो वर्क बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का इस वक्त शेडो वर्क चल रहा है, आपके पर्सन मिरर कर रहे हैं अपने आप को, जैसे अपनी डार्कनेस को, अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल को, अपने जैसे जो जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको ट्रीट करा है उस चीज़ को रिमाइंड कर रहे हैं, उस चीज़ को आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं। किसी के साथ अगर आपके पर्सन ऐसा करते हैं वो इतना बेयर नहीं करता इनका इस ऐसे वाला एटीट्यूड। ठीक है, ये आप ही थे, आप के अंदर एक जेन्युइनली लव था, केयर थी, एक जेनरोसिटी थी इसके, आप इस पर्सन के लिए आपके दिल में, तभी आप इतने इस पर्सन के लिए एक हेल्पिंग हैंड रखते थे, इतना आप जेनरस रहते थे, आपकी एक जैसे जेंटलनेस थी, एक बहुत ज़्यादा आप मतलब के कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे आप इस पर्सन के साथ। ठीक है, इस जिस जो जो ये इस वक्त शेडो वर्क कर रहा है ये जानता है कितनी डार्क एनर्जी है, कितने इसने कितने एक मतलब इसको पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, ये माइंड
सेट इसका बन रहा है, ये चीज ये सोच रहा है। आपका यहाँ पर थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आप बहुत ज्यादा एक अवेकेंड सोल की तरह हो रहे हैं, आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है और आपके पर्सन पता नहीं क्यों इस कनेक्शन में आप होप देखना चाह रहे हैं और होप रख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप इन फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, इसकी होप है आपके पर्सन को। ठीक है, मतलब कि एक होप कायम हो रही है आपके पर्सन के माइंड में और सोचो में। ये पर्सन जानता है इसने शेडो अपने शेडो पे वर्क नहीं करा है, ठीक है, एक डार्क शेडो से डील करता है, एक डार्कनेस से डील करता है। ठीक है, खास तौर पे आपके साथ दुनिया के लिए कितना ही अच्छा इंसान हो, लेकिन इसने आपके ऊपर अपनी एक डार्कनेस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डार्कनेस का इसमें इसका असर बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं मेंटली। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं। टेन टेन पोर्टल में आपके कनेक्शन में क्या चेंज आने वाला है, आपके पर्सन और रिलेशनशिप में क्या बदलने वाला है, लेट्स सी, देखते हैं टेन टेन पोर्टल में क्या चेंज आ रहा है मेरे व्यूवर के कनेक्शन में। रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सब्र और तहमुल से सोचने वाले हैं। ठीक है, आप पास्ट को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जैसे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपकी अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, जो कुछ भी हुआ उसको डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आप। जैसे आपके अंदर जो पास्ट में पॉजिटिविटी दिख नहीं रही थी वो अब मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर दिखाई दे रही है, एक लाइट की तरफ आप अपनी जिंदगी को लेकर जा रहे हैं, आप एक होपफुल हो रहे हैं। ठीक है, आप एक आप भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ऑरा, एक नेगेटिव जो आपके जो चीज़ें आपके दिल में बस चुकी थी ना, जो आपका दिल बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था जिन चीजों से, आप उनसे स्लोली बट श्योरली हील हो रहे हैं। ठीक है, एक वो वाली आप लोग की कनेक्शन की एक एनर्जी चल रही है, जैसे स्लो स्लो जरूर है लेकिन यकीन है ये रेस आप लोग विन कर जाएंगे। जिस तरीके की आप लोग की अब जो आप लोग एक कॉम्प्रोमाइजिंग फेज पे आ रहे हैं, जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप लोग एक सेम पेज पे आते जा रहे हैं। ठीक है, इस पोर्टल के बाद आप लोग एक सेम पेज पे आने वाले हैं, एक सेम पेज पे आते जा रहे हैं। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट, रेस्ट है, डिस्टेंस है, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या तो बहुत ज़्यादा लेस टू कांटेक्ट है, बात भी हो रही है तो रिलेशनशिप पे नहीं हो रही, अगर मतलब के मिनिमम सी बात है, बहुत ज़्यादा मिनिमम नाप तोल कर कम्युनिकेट करना वो वाली एनर्जी है। ठीक है, और ही टॉपिक्स पे अदर ही टॉपिक्स पे कम्युनिकेट करना वो वाली ज़्यादा एनर्जी है, ताकि आप लोग थोड़ा सा एक 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 बैलेंस की तरफ आए, ताकि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी की तरफ आए। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना लाजिम है किसी भी कनेक्शन में आप लोग कदम रखते हैं। देखें, अब बच्चे और माँ की बाउंडिंग नहीं होगी तो वो रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ की बाउंडिंग, ठीक है, दो कपल्स की बाउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये रिलेशनशिप को मजबूत करता है। तो ये आप लोग के कनेक्शन में इस चीज़ की बुनियाद डल रही है इस टेन टेन पोर्टल में। ठीक है, मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम फ्रेम से जो आप लोग एक दूसरे के नज़रियात से, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस से बिल्कुल ही एंटी थे ना, तो अब आप लोग थोड़ा सा एक सेम पेज पे आ रहे हैं, एक दूसरे को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है इस कनेक्शन में। बेहद हर्ट हुए हैं आप इस कनेक्शन में, बेहद पेन मिला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता वो हर्ट को आप याद कर रहे हैं, या शायद वो टाइम आपके ऊपर इतना हैवी रहा है, चाहे वो कितने ही अरसे का टाइम रहा हो, 3 साल 4 साल का टाइम रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो टाइम आपके ऊपर हैवी रहा है। ठीक है, आप उस चीज़ को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं नेगेटिविटी, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन भी यहाँ पर जैसे आपका बदलता हुआ मूड देखकर, मतलब कि यहाँ पर आपके लिए जैसे एनर्जेटिक हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपने एक प्योर एक अपनी जेनरोसिटी दिखाना चाहते हैं, आपके लिए वनरेबल होना चाहते हैं, उनके दिल में ये चीज़ है आपके लिए वनरेबल हुआ जाए। ठीक है, आपके पर्सन और इस कनेक्शन में टेन टेन पोर्टल में क्या होने वाला, लेट्स सी, आपके पर्सन और इस कनेक्शन में आपके पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस कनेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस टेन टेन पोर्टल में। विश फुलफिलमेंट, ठीक है, आप लोग यहाँ पर मतलब कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को विश मानने वाले हैं, एक ट्रेजर की तरह देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं, विश फुलफिलमेंट रिलेशनशिप
में देखना चाह रहे हैं फ्रॉम फाउंडेशन. बहुत ज़्यादा ये पर्सन लीड करना चाहता है, इस कनेक्शन को फाउंडेशन मजबूत करना चाहता है. पास्ट में इसने इसी पावरफुल एनर्जी को, इसी ताकतवर एनर्जी को, ये मेल है या फीमेल है, इसने आपको कंट्रोल करने में गुजारा, ठीक है. लेकिन अब इसको समझ में आ रहा है, जब कोई हमारे पास एनर्जी होती है, जब कोई हमारे पास पावर होती है, तो हमें उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, रिकॉर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है. अब ये आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड देना चाहता है जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर आपको वैल्यू करना चाहता है, आपको समझना चाहता है, ठीक है. इस चीज़ की एनर्जी इस पर्सन के अंदर है. विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी इस कनेक्शन की, विश फुलफिलमेंट हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग बनना ज़रूरी है, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. अगर ये कनेक्शन एक दोबारा रीबर्थ की तरफ जा रहा है, तो आप लोगों को बातचीत करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना, ठीक है, बहुत नीड है इस चीज़ की इस पूरी रीडिंग में, ठीक है. ये उन लोगों के कनेक्शन है जो एक रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं दोबारा और एक दूसरे से बात कर रहे हैं. आप लोगों के लिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये रिश्ता मजबूत होगा, ठीक है. ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म भी देख सकता है, अगर यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग लेकर आ गए, आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज लेकर आ गए. थोड़ा सा आपको अपने पर्सन को समझने की ज़रूरत है. ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, जो भी एनर्जी है इसके अंदर, ये जो भी फीमेल है या मेल है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी नहीं, मतलब कि थोड़ी सी डोमिनेटिंग की जो भी एनर्जी, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. आई नो ये डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है. आप पल में तोला पल में माशा, आप समझ नहीं पाते बहुत जल्दी. आपको ऐसा लगता है कभी बहुत ज़्यादा खुशी आपसे, कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ है. मूड स्विंग्स बहुत होते हैं. ये खुद समझ नहीं पाता कि आपके साथ पेश कैसे आना है. ये खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस तरीके से आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है. थोड़ा सा आप इग्नोर, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, ये सब ज़रूरत है इस कनेक्शन की, ठीक है. 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूवर के कनेक्शन में क्या चेंज आ रहा है और इनके पर्सन के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ये क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर. विक्ट्री एंड सक्सेस, देखिए ये पर्सन सक्सेस चाहता है, नहीं कहेगा शायद, नहीं बताएगा शायद. आप पता नहीं क्यों ये बेसख्ता मेरे मुंह से निकला है, जो ये चाहता है वो नहीं बता रहा अभी आपको, ठीक है. वेटिंग गेम, यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है. कुछ ना कुछ वेटिंग गेम चल रहा है. देखिए पार्टनरशिप इन अलाइंस, सक्सेस चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है. यहाँ पर वेटिंग गेम चल रहा है, जैसे डिवाइन की किसी अप्रूवल, जैसे अप्रूवल का यहाँ पर वेट चल रहा है, कुछ अप्रूव होना है डिवाइन की तरफ से यहाँ पर, ठीक है. एक वेटिंग गेम है इस कनेक्शन में, जो वेट हो रहा है ना, ये डिवाइन टाइमिंग का वेट है, ठीक है. और किसी चीज़ का वेट नहीं, जो आप लोग की चीज़ें पेशेंस एंड प्लानिंग, आप लोग को कहा जा रहा है पेशेंस रखें प्लानिंग में, प्लानिंग यहाँ पर करते रहें एक दूसरे के साथ आने की, ठीक है. मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, डिसीजन मेकिंग ठीक होनी चाहिए. आपके पर्सन को भी कहा जा रहा है अब डिसीजन सही लो, ब्रिंग लव, ठीक है. यहाँ पर लव बिगिंस होने वाला है और विश फुलफिलमेंट काइंड, ठीक है. सफरिंग इन साइलेंस, ऐसा हो सकता है सफरिंग इन साइलेंस रहे, थोड़ा सा एक दूसरे के बीच आप लोग साइलेंस, एक साइलेंट ट्रीटमेंट चले, साइलेंट एनर्जी देखें, ठीक है. लेकिन चीज़ें आप लोग की पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, ठीक है. यहाँ पर जो मजीद थोड़ी बहुत हीलिंग रह गई है वो हो रही है, ताकि आप लोग का यहाँ पर पैशन इग्नाइट हो, ठीक है. यहाँ पे पैशनेटिव एनर्जी, एक एक्साइटमेंट एक दूसरे के लिए आना ज़रूरी है, एक थ्रिल आना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, ठीक है. अब टैरो से देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं. इस 10-10 पोर्टल में थोड़ा सा वेट लग रहा है, ठीक है. पेशेंस रखें, प्लानिंग करें, फ्यूचर को लेकर होपफुल रहें और पॉजिटिविटी की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान दें. वर्क करें, जिस जगह पोटेंशियल हो उस जगह वर्क करें, मूवमेंट करें, चॉइसेस करें, डिसीजंस लें, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है. बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करने में जल्दी मत करें. अगर आपको इस पर्सन को छोड़कर कुछ और डिसाइड करना पड़ रहा है, तो दोबारा रीचेक, एक रीचेक दें उसको, ठीक है. लव बिगिन है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इमोशंस का एक जैसे बहुत ज़्यादा इमोशंस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोगों के साथ कुछ कनेक्शन में स्टार्ट होने वाला है. इस पर्सन के दिल में बेहद इमोशंस हैं आपको लेकर. सफ़र कर रहा है साइलेंस में, ठीक है. आप रेस्ट कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं अपने आप को, दोबारा पावर बूस्ट कर रहे हैं, आपने बहुत यहाँ पर एनर्जी लगाई. ये पर्सन अकेला है, अंदर से बहुत ज़्यादा लोनली है. ऐसा हो सकता है इस लोनलीनेस को देख कर ये खामोश भी हो जाए, ठीक है. लेकिन यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिन, इस पर्सन को कहा जा रहा है एक स्टेबल डिसीजन मेकिंग करो, प्लीज करो, ठीक है. यहाँ पर जो टाइम चल रहा है इस पर्सन के, जैसे सफर इस सफरिंग इन साइलेंस से निकलने का टाइम चल रहा है, ठीक है. लेट्स सी, देखते हैं क्या फील कर रहा है और क्या एक्शन ले सकता है इस 10-10 पोर्टल में. मेरे व्यूअर के पर्सन के यहाँ पर 10-10 पोर्टल में क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, जो पर्सन पर्सन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं. हाँ,
पेज ऑफ कप्स, ये बात करना चाहता लेकिन पेजेस की एनर्जी है बहुत ज्यादा, मिनिमम मैक्सिमम सी पेजेस की एनर्जी है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे कंफ्यूज एनर्जी है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा बात, मतलब कि ट्रस्ट क्या नहीं हो रहा, जिस तरीके की सिचुएशन डिस्टर्ब हो चुकी है उसके बाद क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा। वेट, पानी पी लो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये पेज ऑफ कप की एनर्जी है, इमोशनली कनेक्ट होने की एनर्जी है, इमोशनली मतलब कि आपके तरफ मैसेजेस कॉल करना चाहता है, थोड़े से अपने इमोशंस से कनेक्ट होकर आपसे, आपके साथ कोई किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाहता है। द मून की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, डायलेमा में, फियरफुल सिचुएशन है, जैसे पता नहीं है करना क्या चाहिए, इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं और बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, जितनी जल्दी आपकी तरफ मूव करना चाहता है उतनी जल्दी ही बैक ऑफ ले लेता है, तो ये कन्फ्यूजन और ये सब कुछ, आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आना ज़रूरी है और ये आएगी, कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आपके पर्सन की मेंटली कॉन्फ्लिक्ट पूरा खत्म होगा और ये पर्सन सडन जो होल्ड बैक कर रहा है उससे निकल के आपकी तरफ एक रिकंसाइलेशन जरूर देगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं और क्या फील कर रहा है। थोड़ा सा खोया खोया सा है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है, बात करनी है लेकिन क्या करनी है, कैसे इमोशंस कनेक्ट करे, कैसे आपके आपको आपके सामने अपने इमोशंस को रखे जिनको ये पास में डिनाई करता आ रहा है, जिसकी वजह से आपको इतना पेन फील हुआ है, अब उसके बारे में कैसे आपसे डिस्कस करें, क्या बोल के डिस्कस करें, ये क्यों डिस्कस कर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, आपके साथ फैमिली के ड्रीम देख रहा है, टेन ऑफ कप्स के, ठीक है, आपके साथ इस पर्सन का ड्रीम है एक फैमिली बनाना, एक न्यू बिगनिंग, इसके माइंड में आपको लेकर एक न्यू बिगनिंग चल रही है, इसकी फीलिंग्स में तो बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी है, ये चाहता है आप इस कनेक्शन का टाइम चेंज करना, इस रिलेशनशिप का वक्त बदलना, ठीक है, इसने इन्वेस्ट नहीं करा तो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, अपनी तरफ से इस पर्सन को जैसे एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक रीस्टार्ट देना है इस कनेक्शन को, ठीक है, क्योंकि एक नाइन ऑफ सोट की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला है, जैसे आपके बिना इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, ठीक है, ये आगे बढ़ना चाहता है, इस अकेलेपन से निकलना चाहता है, क्या पता ये बहुत ज़्यादा पर्सन कमिटमेंट फोबिक रहा है, कमिटमेंट से भागता रहा है, तो ये अपनी ज़िंदगी में अब फैमिली बनाने की तरफ बढ़ना चाहता है, ये अपनी कमिटमेंट, ये जो फोबिक एनर्जी है उससे बाहर आना चाहता है, ठीक है, कम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है, ये पर्सन जानता है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं लेकिन अब आपने उन इमोशंस को सरेंडर कर दिया, आपका लव इस पर्सन के लिए है, ठीक है, इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, इसलिए आप शायद साइलेंट हो गए, आपने यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर कर दिया, वही लव, वही केयर, सब कुछ, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका माइंड यहाँ पर क्लियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो चल रहा है उसको देखते हुए आप बिल्कुल भी इस चीज को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि फ्यूचर में आप लोग का फ्यूचर एक साथ है, ठीक है, अब ये डिवाइन मिरेकल हो कि आप लोग एक साथ हो जाए तो हो जाए, आपको ऐसा लगता है जैसे डिवाइन का मिरेकल ही होगा कि आप लोग एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि आपको इस वक्त इस टाइम पीरियड तक आपको कोई आसार नहीं दिख रहे कि आप लोग की चीजें बैलेंस होंगी, बहुत कंफ्यूज माइंडेड है, आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कम्प्लीटली कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें पास में हो चुकी हैं उन्हीं चीज़ों में दोबारा आप इन्वॉल्व ना हो, अपने न्यू सेल्फ के साथ रहें, एक न्यू बिगनिंग करें, अपने सेल्फ को एक न्यू सेल्फ को इंजॉय करें आप, ठीक है, आप बार बार ना सोचें, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए, आप इनजस्टिस में नहीं रह सकते, ठीक है, आपने बहुत सफ़र करा है, आप चाहते हैं ये पर्सन कम्युनिकेट भी करे तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव और एक बहुत ज़्यादा से जस्टिस पे बात हो, या तो फ्यूचर को लेकर बात करना चाहते हैं तो करें, आप इसे डिनाई नहीं कर रहे, लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, क्या एक्शन लेगा, अगर ये सब कुछ आप लोग की रिलेशनशिप में चल रहा है, फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का, फ्यूचर चेक करते हैं, फ्यूचर क्या रहने वाला है इस कनेक्शन का, ठीक है, टेन टेन पोर्टल में ये जो सब कुछ चल रहा है इसके बाद मेरे व्यूअर के पर्सन क्या इस कनेक्शन में करने वाले हैं, फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, पेज ऑफ पेंटिकल, आप लोग की पेजेस से बात स्टार्ट हो सकती है, थोड़ा सा एक पेजेस का बहुत इनिशियल लेवल का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे वो है, मतलब कि इनिशियल इनिशियल बहुत ज़्यादा स्टेट रह सकता है आप लोग की बात करने का, बिल्कुल एक्शन आ रहा है आपके पर्सन की तरफ, बस आपके पर्सन की तरफ से, बस आपके पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज माइंडेड हैं, ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, तो ये आपके पर्सन के अंदर बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन है, ये ऑब्सेस्ड है, ये जाने नहीं देना चाहता आपको अपनी लाइफ से, आप इसके लिए एक ट्रेजर की तरह है, ठीक है, आप इसके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट इंसान की तरह है, बिल्कुल
आप इसकी लाइफ में वो पर्सन है जिसने इस पर्सन को एक सोल तक पीस दिया है, एक रूह का सुकून दिया है, ठीक है। एक सोल पीस जो होता है ना, वो बहुत कम किसी से मिल पाता है, अगर आपको एक इन डेप्थ इसकी मालूम हो, ठीक है, मतलब कि इसका आपको नॉलेज हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक सोल पीस बहुत ज़्यादा रेयर होता है जो किसी से मिलता है, एक सोल का पीस, एक सुकून, मेंटली पीस, तो आप वो हैं इस पर्सन के लिए, आपके लिए लॉन्ग टर्म तक आपके साथ दे सकता है, शायद ही कमिटमेंट फोबिक हो, लेकिन दुनिया के लिए इसको ऐसा लगता है कि आपका साथ ही ये जैसे अगर ऐसा कहें फॉर एग्जाम्पल, जैसे बंदा दाल चावल खा सकता है तो ये बोलेगा हाँ मैं ऐसा दाल चावल खा सकता हूँ, सदियों तक खा सकता हूँ, ये रेडी है इस टाइम पे आप ऐसा दाल चावल खाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब कि आप दाल चावल नहीं है, आप हैं अच्छी सी बिरयानी, ज़बरदस्त किस्म की मसाले वाली क्योंकि हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, ठीक है। तो एक टिक्का बिरयानी, ठीक है, ये बड़ी अच्छी है, चटपटी सी, तो वो वाली बिरयानी है, तो आप दाल चावल नहीं है, तो ये बंदा ये टिक्का बिरयानी खा सकता है, लंबा अरसा तक खा सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म खा सकता है, पैशनेटिव है, अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बेहद अट्रैक्टिव है, रिस्क टेकिंग, न्यू बिगनिंग, आपको रोकेगा ये जाते हुए, आप जा रहे हैं, ये पर्सन देख रहा है आपको जाते हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल में, पावरफुल एनर्जी आपकी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक टाइम पे इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस को दे दे के थक गए, बता बता के थक गए, भाई ये इमोशंस लोगे मेरे, इन इन इमोशंस का तुम क्या साथ दोगे मेरा फ्यूचर में, तो आप ये दे के थक गए, ये आपको जाता हुआ देख रहा है, लेकिन ये आपको रोकेगा, इसके दिल में पीछे चल रहा है, एक्शन ले, ये आपको लूज नहीं कर सकता, आपके लिए रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ये शेर जो है ना, ये जो इसके पीछे खड़ा होता था, ये आपके अंदर देख पा रहा है, आपके अंदर इतनी पावर है अब, ठीक है, मतलब कि इतना पावरफुल एनर्जी में देख पा रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है, ये जो स्ट्रेंथ है ना, इसको ये जो स्ट्रेंथ इसके अंदर जो है, इसको पता ही आपसे मिलती है, अगर आप चले गए तो इसकी लाइफ की स्ट्रेंथ चले जाएगी, मतलब कि लूज कर जाएगा अपनी स्ट्रेंथ को, आप जा रहे हैं, आप इमोशनली इमोशनली आप उसको फुलफिल करते हैं, पीस देते हैं, एक सोल पीस देते हैं, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा अपनी मस्ती में मगन है, आप बहुत ज़्यादा मतलब के केयर फ्री हो चुके हैं, आप अपनी तरफ से केयर फ्री वाली एनर्जी, आपकी तरफ से बिजी हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर अपने आप को आपने बिजी कर लिया है, ठीक है। ये पर्सन आपको बिजी तो देख रहा है, लेकिन लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ये जानता है ये इस एनर्जी में अपनी ही वजह से आया, इसकी चॉइस थी ये एनर्जी, ठीक है, अपने आप को अकेला रखना, ठीक है, इसकी चॉइस थी। फाइव ऑफ पैंटिकल एंड फाइव ऑफ सोर्ड, इसको लग रहा है मैंने कोई गलती कर दी, मैंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया इस कनेक्शन में, जो मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता था, बहुत कुछ बिगाड़ दिया, आप कम्प्लीटली बदस्तूर अपने आप को कम्प्लीट हील करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं अपने आप, अपने अंदर जो आपने करेज और एक पावर बनाई हुई है, आप उसको कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे हिलना नहीं चाहते, ठीक है, आप अपनी विशेष पे फोकस है, ठीक है, अपनी विश के ऊपर फोकस है, और ये पर्सन थोड़ा सा सैडी हुआ हुआ है, सैड हुआ हुआ है, अकेलापन देख रहा है, ये जानता है आपने बहुत इंतजार करा है इसका, और आपके लिए इमोशंस लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, एक रीसेंट टाइम पे ये इमोशंस फील कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपको, ठीक है, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपको, ये मतलब कि इस पर्सन आपको अब जो कुछ चल रहा है ना, इस पर्सन के हाथ में है सारी चीज़, ठीक है, आप तो अपनी सक्सेस की तरफ रवा दवा है, इस पर्सन को अगर आपको रोकना है तो इस पर्सन को यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ, बिल्कुल यहाँ पर इस पर्सन को वेट करने के बजाय आपकी तरफ मूव करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आपको कुछ देना पड़ेगा, अपनी सैडनेस से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ इसके पास है, ठीक है, ये आपकी तरफ आए, पास की चीज़ों को ख़त्म करे और एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से निकले, आप भी हार्ट ब्रेकिंग रहे ये भी रहा है, देखिए आपने सरेंडर कर दिया और ये इमोशंस को फील करना स्टार्ट कर रहा है, इस क्वीन ऑफ कप्स को देखिए, जैसे इसके हाथ ऊपर है, इसने उस लव को सरेंडर कर दिया और ये पर्सन अब उस लव को फील कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इनहेल, ठीक है, यहाँ पर इसके पास लव आ रहा है, इसके माइंड में, इसकी सोचों में अब फीलिंग्स आ रही हैं, और आपने क्या कर दिया, आपने इतना फील करा, अब आपको सरेंडर करने, आपने सरेंडर कर दिया, आपके हाथ उठा लिए आपने, क्योंकि आपने एक हद तक इन सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो सकी, तो अब आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, अब ये आपके पोर्टल में चल रहा है, ठीक है, आपके जो एनर्जी रहने वाली, थोड़ा सा ये पर्सन अब अकेलापन फील करेगा, लेकिन कोई इसका स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, उसको गाइड करेगा, तुम जाओ उसको रोको, उस इंसान को, वो अगर चला गया तो अपनी ज़िंदगी में अकेले रह जाओगे, ठीक है। क्वीन किंग ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ठीक है, इसको कोई समझाएगा या इसको इस ऐसा विजडम, ऐसी नॉलेज खुद मिलेगी, लेकिन ये आपको रोकने के लिए ज़रूर आएगा, ठीक है, ये आपको रोकेगा, ठीक है, ये क्योंकि अकेला है, बहुत ज़्यादा अकेला है, ये आपके बिना अकेला है, इसकी लाइफ, इसको लगेगा कि ये तनहा रह जाएगा अगर आप इसकी ज़िंदगी से चले गए, ठीक है, अगर आप
आपकी लाइफ में एक ऐसा मूवमेंट आया, अपनी जिंदगी को आपने अकेले तय कर लिया, कोई सफर, आप किसी सफर में निकल गए, तो वापस लाना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप खो जाएंगे फिर। जैसे ये इंसान बैठा है यहाँ पे, बहुत बड़ा समंदर है, इसके सामने एक बड़ी सी साइड है, तो ये सोचेगा कि ये तो आज तो इसके पास एक शायद होप है, शायद एक चांस है, आने वाले टाइम में ये चांस, ये होप ये लूज कर जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसी एनर्जी में आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पे। ड्रीमिंग, ड्रीमी वे, ठीक है। और यहां से आपके लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड पोर्टल में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, स्ट्रेंथ एंड पोर्टल में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। लेडी, आपको यहाँ पर अपने पर काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपने पर वर्क करते रहें जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है। सारी नेगेटिविटी को आप क्लियर करें अपने माइंड से, अपने थॉट से, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके इर्द गिर्द की उसको भी। लेटर, ज़बरदस्त, आपको कोई लेटर रिसीव होने वाला है, मैसेज रिसीव होने वाला है, कोई लेटर, अनएक्सपेक्टेड लेटर होगा जो आपको रिसीव होगा। एक मैन, ओके, यहाँ पर एक, देखें इधर भी यहाँ पर हमारे पास एक काउंटर पार्ट बने थे, किंग, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे मैन एंड यहाँ पर है लेडी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप लोग का एक पेयर कंप्लीट होने वाला है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपको देख रहा है, और कोई आपको कोई लेटर लिखना चाहता है, ठीक है। आपको डिवाइन कह रहा है यहाँ पे, कोई आपको लेटर रिसीव होने वाला है किसी की तरफ से, ठीक है। कुछ आपको अपनी जिंदगी में कुछ एक मतलब कि शिप, जिस शिप का आप वेट कर रहे थे वो अराइव होने वाली है, जिस चीज़ का आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आप तक पहुंचने वाली है, ठीक है। कोई आपके लिए बेहद पैशनेटिव हो रहा है, एक स्पार्क, एक एक्साइटमेंट, एक लव, एक केयर बहुत ज़्यादा फील कर रहा है उसके अंदर, एक स्पार्क है आपको लेकर, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें। देखें, पैशन इग्नाइट, कोई है जिसके अंदर आपको लेकर बेहद पैशन इग्नाइट हो रहा है, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को लेकर बहुत, जैसे एक मेस्मराइज वाली एनर्जी, वो उसको अपना सेल्फ बर्डन सम लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है उसके डिसीजन उसके लिए बर्डन बन चुके हैं। ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा क्योंकि ये इसको डर है अब ये अकेला रह जाएगा, ठीक है, इस बात का इसको डर है। ये देख रहा है कि आप स्लोली बट श्योरली, मतलब कि आप दूर होते जा रहे हैं, आप अपनी कोई मंजिल, किसी और जगह, किसी और चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आप जैसे उस मजबूती से पकड़ते जा रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, थैंक यू। बाकी की डिटेल्स मैं पहले बोल चुकी हूँ ना।